सब्ट्रैक्शन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। सब्ट्रैक्शन में क्या कर देखते हैं, सबसे पहले थ्योरी का छोटा सा हिस्सा, लेट डेल्टा एक्स बी द, क्या लिखा जाएगा भाई, एरर है इन द मेजर्ड वैल्यू एक्स। और इस तरह से हम लोग फिर डेल्टा वाई भी एक्सप्रेस करेंगे, और डेल्टा वाई जो होगा वो एरर होगा इन द वैल्यू ऑफ वाई। कर दिया, एक्स भी कर दिया और हमने वाई भी कर दिया, ठीक। क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो कैसे क्या करना है, सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए जेड है, जेड किसके बराबर है, एक्स माइनस वाई, ये हमें ऑपरेशन करना है, क्योंकि अब वही बात कि अगर आप एरर को कंसिडर नहीं करते तो आपने ऐसे लिखना, और अगर एरर को कंसिडर किया तो आप ऐसे लिखोगे। ये जो चीज आई ना, इसको हमें समझना है, ये जो चीज आई इसको हमें समझना है कि ये क्या है। तो जैसे मैंने यहां पे बोला था कि मान लीजिए 220 वोल्ट, और इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं प्लस माइनस 20, इसका मतलब क्या है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इस वोल्टेज की वैल्यू या तो 240 वोल्ट हो सकती है या तो 200 वोल्ट हो सकती है। यानी एक तरीके से क्या हो गया, ये प्लस माइनस क्या बताता, रेंज बताता है एरर कितना होगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे एरर कंसिडर करोगे तो यहाँ पे लिखना है, नहीं कंसिडर करोगे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे लिखा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स बड़ा बड़ा, और फिर यहाँ पे माइनस लिखा, फिर यहाँ पे लिखा वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। तो बेटा बहुत सिंपल सी बात यह है कि आप यहाँ पे एक्स माइनस वाई कर दीजिए, फिर आप यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा, और मैं और मेरी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ माइनस है, तो मैं यहाँ पे माइनस और प्लस डेल्टा वाई, और यहाँ पे हमेशा एक तरह जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो जेड की जगह आप क्या लिख सकते हैं, जेड की जगह हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, और आप समझ गए होंगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो रिजल्ट बचेगा, हाँ आपने रिजल्ट को जरा यहाँ पे, मैं क्या करूँगा आपके पास ये टर्म, क्योंकि ये वाला टर्म और ये टर्म, ये तो खत्म हो गया ना, बचा आपके पास सिर्फ ये, आपको इसी को डील करना है। तो यहाँ पे देखिए, तो मैं यहाँ पे लिखने जा प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ पे लिखना प्लस डेल्टा वाई, फिर यहाँ पे लिखूँ माइनस डेल्टा एक्स। दिमाग में तो यही चल रहा हो कि यहाँ से प्लस है तो यहाँ प्लस लिख देते, यहाँ माइनस तो यहाँ पे ऐसे लिख देते, और फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और फिर यहाँ माइनस, और यहाँ पे माइनस। अगर इन चीज़ों को देखे ध्यान से तो हमें तो ये समझ में आया कि हमारी रेंज जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, मैक्सिमम कितनी है वो ये, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी, मैक्सिमम एरर हमारा कितना है, तो मैक्सिमम एरर हमारा यहाँ पर ये है, क्या लिखेंगे, प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, मैं इसको ऐसे लिखूंगा। मिनिमम कितना है, तो मिनिमम हमारा ये हो जाएगा हमेशा की तरह, क्योंकि एडिशन में भी यही होता है और आगे भी हमें इसी चीज़ पर ध्यान रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, फिर क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई ब्रैकेट कुछ इस तरह से, मिनिमम हो गया। तो अब हमारे रिजल्ट को और कैसे लिखें, अब हमारे रिजल्ट को मैं सिंपल यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि प्लस माइनस डेल्टा जेड जो है उसको लिखा जा सकता है प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। अपने रिजल्ट को मैंने इस तरह से लिख दिया, और आप ध्यान देंगे कि चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, जो पिछला वाला एडिशन था ये सब्ट्रैक्शन है, तो दोनों में आपके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इनिशियल फाइनल टेम्परेचर दे रखा है 18 प्लस माइनस 0.5, और फिर दे रखा 40 प्लस माइनस 0.3, तो समझ गए होगे कि क्या है वैल्यूज। फाइंड द राइज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी निकालना है, तो डेल्टा टी निकालने के लिए डिफरेंस निकालना है, सब्ट्रैक्शन वाला रिजल्ट यूज़ करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या होगा
सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं ही लिखूंगा कि मुझे डेल्टा टी निकालना है, डेल्टा टी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं लिखूंगा डिफरेंस, डिफरेंस इन टेम्परेचर, या फिर मैं बेटर वर्ड है ये जो लिखा हुआ राइज इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूँ, मैं लिखूँगा टी टू माइनस टी वन, ऐसे लिखा मैंने, मेरे को टेम्परेचर लिखना है तो मैं टेम्परेचर की वैल्यू ये है तो ऐसे नहीं लिखे, मैं ऐसे सिंप्लीफाइड ज़्यादा ध्यान से लिखे, मैं लिखूँगा टी टू, ठीक है। अब ये राइस को मैं चाहे ऐसे लिखूँ, मैं ऐसे लिखूँ, मैं ऐसे लिखने जा रहा हूँ, ऐसे किया टी टू माइनस, अब इसको टी टू प्लस माइनस डेल्टा टी टू माइनस टी वन प्लस माइनस डेल्टा टी, कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, ध्यान देने वाली बात है, आपने इसको ऐसे लिखा, ऐसे एरर तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, टी टू माइनस टी वन, मैंने टी टू माइनस टी वन किया, देखिए टी टू माइनस टी वन, मैंने टी टू माइनस टी वन कर दिया, बाद में देखिए ये है मेरे पास, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लगाऊँ प्लस माइनस, सबसे पहले ही प्लस माइनस है, वो बाहर प्लस माइनस जो होता है सबसे पहले प्लस माइनस, और फिर वो ये देखा ना, ये एरर जो दे रखा उसको एरर की वैल्यू को आपने आज रिज लिखना है, तो मैं लिख रहा हूँ डेल्टा टू प्लस डेल्टा टी वन, सिंपल रख देना सिंपल। तो यहाँ पे क्या करना है, आपके पास 18 है 40 है, तो 40 माइनस 18 करेंगे, फिर प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, अंदर क्या बचेगा बेटा 0.5 और 0.3, हाँ क्या कर देंगे, हमारे पास एक ही ऑप्शन और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हो गया 22 प्लस माइनस 0.8 डिग्री, तो ये हमारे पास राइज आ गया। कि राइज इन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, राइज इन टेम्परेचर ऐसे निकालेंगे इस तरह। तो आपने देखा, चाहे पिछले वाला आपने वो देखा था कि एडिशन में कैसे किया जाता है, यहाँ सब्ट्रैक्शन में, दोनों मतलब जब एरर की बात आती है तो एरर को सिंपली ऐड करके, जो ऑपरेशन है अगर आपका एडिशन है तो आप एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन करो, लेकिन जब एरर की बात होती है, एरर का एडिशन अलग होता है, एरर के एडिशन में भी एडिशन किया जाता है और एरर के सब्ट्रैक्शन में भी एडिशन किया जाता है। Thank you.